गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों, इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने आवेश क्या बताया था कि आवेश क्या होता है, तो हमने यह बताया था कि विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का जितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश ही विद्युत आवेश कहलाता है। हमने इलेक्ट्रॉनों के आवेश को भी देखा था, आवेश को समझा था, क्यू की इक्वेशन को समझी थी, यानी कि चार्ज इक्वेशन को समझी थी। फिर हमने यहाँ पर ESU और कूलम्ब का संबंध भी देखा था। अब यहाँ हम अगले कॉन्सेप्ट में आपके पास आए हैं, विद्युत धारा। जी हाँ, यहाँ से बच्चों आपने इसके बारे में भी बहुत पहले सुना होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा कुछ तो होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करेंट। तो बच्चों, विद्युत धारा के बारे में आज हम यहाँ पर कुछ चर्चा करेंगे। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक परिभाषा आपको भी बताया, एक इक्वेशन बताई थी, IT होता है, यानी कि हमने यहाँ पर एम्पियर सेकंड क्या बताया था, कूलम्ब की यूनिट क्या होती है, एम्पियर सेकंड होती है, आई से एम्पियर और पी से सेकंड। तो अगर हम इसको आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी कर दें तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर विद्युत धारा की परिभाषा जनरेट हो जाएगी कि चार्ज प्रवाह की दर ही क्या कहलाता है, आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाता है, हमारा धारा कहलाती है, चार्ज प्रवाह की दर ही हमारी करंट कहलाती है, यानी कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहां पर लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि हमने परमाणु संरचना में देखा था कि इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी के गुण होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है। तो मूव करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, उसके नाभिक में होते हैं। मूवेबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां पर एक दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। क्या हम कह सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसमें होता है, किसी न किसी कंडक्टर में, किसी न किसी किसी न किसी चालक में होगा। ठीक, वही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। यदि हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल समझ, तो बच्चों हम इसको मिटा रहे हैं, हम अगला थोड़ा एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे यह कोई क्या है, पानी की पाइप। ठीक है बच्चों, और किसी किसी पंप के द्वारा से यह पानी क्या हो रहा है, चल रहा है। तो बच्चों यहां पर इस पाइप के अंदर जितना भी पानी है वह क्या है, उसका हम तुलना किससे करते हैं, इलेक्ट्रॉन से करते हैं। जितना भी पानी है वो सब क्या है, वाटर या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, पानी भी मूव कर रहा है, और किसमें मूव कर रहा है, यानी कि किसी न किसी पाइप में मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसको मूव करेंगे, किसी न किसी चालक को मूव करेंगे। ठीक है, वो चालक के तो इलेक्ट्रॉन मूव करते नहीं है, तो किसी न किसी चालक को मूव करेंगे। ठीक, तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन किसमें मूव कर रहे हैं, किसी न किसी चालक पे। तो ये पाइप कहो, या कि इसको हम पाइप, या कि इसको हम कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन के साथ चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो होता है, इसीलिए हम इस प्रकार की दर बोले हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो अपने से फ्लो नहीं कर रहे हैं, कोई कोई फ्लो करवा रहा है। इधर कौन लगा है, पंप। ठीक है ना, वाटर पंप लगा हुआ है। अब यह पंप की पावर से ही क्या है, पानी क्या हो रहा है, सक्शन होके और बाहर की ओर जा रहा है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन अपने से फ्लो नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है। और यहां पर जैसे पानी को क्या है, पानी को फ्लो करवाने के लिए प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और प्रेशर कौन दे रहा है, पंप दे रहा है।
इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए भी प्रेशर की आवश्यकता होती है, और वह प्रेशर देता है कौन सा हमें, क्या कौन देता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, ठीक है ना बच्चों, वह यदि आप कॉमन भाषा वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो प्रेशर देने का काम कौन करता है, वोल्टेज, ठीक, और बहने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत धारा को कुछ हम यूं ही समझ सकते हैं। तो हम फिर से एक बार अपनी डेफिनेशन की नजर मारेंगे आवेश प्रवाह की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या प्रवाहित हो रहा है, ये आवेश ही प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना, आवेश यानी कि चार्ज, चार्ज प्रवाहित हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, 1.6 × 10 करते हैं -19 गुलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। और तो हमने यहां पर क्या लिखा कि हमने सीखा कि आवेश प्रवाहित रहने ही विद्युत धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉनों का बहना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है, क्या इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। तो आशा करता हूं आपको विद्युत धारा की परिभाषा आपको भी समझ में आई होगी। बच्चों अगले कॉन्सेप्ट में हम इसके प्रकार के बारे में समझेंगे, इसके वेवफॉर्म्स के बारे में समझेंगे, और तब तक आप जो है तो पुराने वीडियो को देख के रिवीजन कर लीजिए और उनके कॉन्सेप्ट को बारी बार से समझ लीजिए। हम आपको अगले कॉन्सेप्ट में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।